मैं YouTube फैमिली कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही सुंदर सी स्लीव की डिज़ाइन। आई जस्ट होप कि आप सभी लोग को बहुत पसंद आएगी। ये जो मैं स्लीव की डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ, ये मैं ब्लाउज में बना रही हूँ। चाहे जैसे कुर्ती में या पार्टी वेयर गाउन में या किसी छोटे बच्चों के फ्रॉक में भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। ये जो स्लीव की जो डिज़ाइन बना रही हूँ, उसका जो आपको फैब्रिक लेना है, या तो आपको नेट लेना है या ऑर्गेन्जा, इन दोनों में ज्यादा ही अच्छी लगेगी। और इसका जो फुल लुक है, मैंने यहाँ देखिए साइड में लगा दिया है। तो चलिए ब्लाउज के स्लीव्स बनाना शुरू करते हैं। जो स्लीव्स बनाने के लिए मैंने जो नेट की फैब्रिक ली, वो मैंने 1 मीटर लिया है और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो ये वाला जो पार्ट है वो 1/2 मीटर है और ये डबल फोल्डेड है। इधर मैंने निशान लगा रही हूँ, ये इधर बंद वाला साइड है। और जो मैंने यहाँ स्लीव का डिजाइन बनाना है वो 22 इंच का है। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ये लेंथ लिया 22, तो आपका जितना भी लेंथ होगा आपको उससे 5 इंच कम लेना है यहाँ नीचे के साइड में। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 17 इंच पे मार्क कर लिया। अब इसको हल्का सा कर्व देते हुए, जैसे आप बाजू के जिधर ज्वाइंट करते हैं उस साइड जो निशान लगाते हैं ना, वैसे यहाँ पर हल्का सा कर्व देते हुए इस तरीके से निशान लगा लीजिए और फिर इसको इस तरीके से कट कर लीजिए। थोड़ा संभाल के कट करना है, क्योंकि नेट का फैब्रिक है ना, बहुत ज्यादा ऐसे फिसलता है। तो छोटा बड़ा ना हो, आप आराम से कट करिएगा। देखिए, मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से कट कर लिया है। अब जो इसका आगे का पार्ट है, जो हथेलियों का साइड है, उधर मैं यहाँ पे अप्रोक्स 12 इंच ले रही हूँ। यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हल्का सा मार्क करके एक लाइन खींच लेंगे और फिर इसको यहाँ से भी कट करके अलग कर देंगे बाकी के पार्ट को। तो देखिए, हमारा जो एक स्लीव है वो कट के रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हम दूसरा वाला भी स्लीव कट कर लेंगे। मैं यहाँ पे आगे की जो साइड होती है, हमें आर्म होल पे हम लोग हल्की सी कटिंग करते हैं ना आगे की साइड, उसी तरीके से मैं हल्का सा कट कर ले रही हूँ। बहुत ज्यादा कट नहीं किया है मैंने, बस हल्का सा ही, क्योंकि यहाँ पे चुनट्टे पड़ेंगे तो उतना पता नहीं चलेगा इसमें। अब देखिए, इसको मैंने इस तरीके से बीच में निशान लगा लिया है यहाँ पे। मशीन में हमें फुल टाका कर लेना है, एकदम जो सिलाई की जो टाके होंगी ना, उसको एकदम फुल पे कर लेना है और इसको हल्का सा प्रेस करते वैसे खींचते हुए, कि बहुत ज्यादा मतलब एकदम हल्की कच्ची टाका जिसको बोलते हैं ना, उस तरीके का सिलाई करना है यहाँ पे। थोड़ा सा हाथों से सपोर्ट देके आप इस तरीके से सिलाई करेंगे तो इसमें सिकुड़न नहीं आएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पूरी सिलाई लगा ली है। ये कर्व साइड मैंने सिलाई लगाई है। ये 2 थ्रेड में से 1 थ्रेड को हम संभाल के इस तरीके से पकड़ेंगे और एकदम धीरे धीरे इसको खींचना है। ध्यान से खींचिएगा, टूटना नहीं चाहिए ये थ्रेड, टूट जाएगी तो फिर डिजाइन नहीं बन पाएगी। तो देखिए, हमें धीरे धीरे आराम से इस तरीके से हल्का सा खिसकाते हुए एक ही थ्रेड खींचना है, दोनों नहीं। मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से एक टेम्पररी इस तरीके से डिजाइन बना लिया है और अभी इंची टेप से मेजर करेंगे, उसके बाद इसको थोड़ा ठीक करेंगे। देखिए, जो ब्लाउज की जो मुझे फिटिंग थी वो 8 इंच चाहिए और हमें 1 इंच मार्जिन के लिए चाहिए, तो मैं थोड़ा सा चुन्नट खोल देंगे ताकि 1 इंच जो है मार्जिन के लिए बच जाए इसमें से। तो देखिए, अभी ये 9 इंच हो गया है, अब हमें इतना ही चाहिए। तो जो चुन्नटें होंगी वो हमें एकदम पूरे बीच में ला के करनी है, नीचे के साइड नहीं जरूरत है। देखिए, इस साइड हो गया। अब जो इधर हथेलियों के साइड है ना, ये एक्स्ट्रा वाला थ्रेड हम कट कर लेंगे। अच्छा, ये देखिए हथेलियों का साइड था हमारा, जो हमने 12 इंच काटा था, अब हमें वहां पे भी इस तरीके से हल्का सा बड़ा टाका ही करके सिलाई लगा लेना है। हमें यहाँ पे भी इसी तरीके से सिर्फ 1 थ्रेड को पकड़ के खींचना है, एकदम केयरफुली खींचना है, बीच में से टूटे नहीं। और ये सिलाई लगाते हुए आप ध्यान दीजिएगा, बीच में कहीं जोड़ नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो इस तरीके से हम थ्रेड खींच नहीं पाएंगे।
देखिए हमने ये खींच के यहाँ पे छोटे छोटे चुन्नटे लगा ली हैं, आप इसको एकदम आराम से एडजस्ट कर लीजिएगा। चुन्नटे होंगे वो एकदम ध्यान दीजिएगा कि सेंटर में ही सारी आए। अब हम यहाँ पे अपने हथेलियों का माप ले रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे 7 इंच आ रहा है ये। तो देखिए माप लेने के बाद हम इसको हाफ कर लेंगे, 7 इंच था उसका हाफ हमारा 3.5 इंच आएगा और 1 इंच हम मार्जिन लेंगे, तो मतलब पूरा 4.5 या 5 दिन तक रख सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो हम थोड़ा और इसको चुनट बना सकते हैं इसमें। और यहाँ पे देखिए जो बाजू के साइड में हम लगाएंगे ये वाला लेस लगाएंगे, ये साड़ी में लेस था वही हम यहाँ पे बाजू में लगाएंगे। तो लेस में यहाँ पे मैंने ये जो नीचे वाला कपड़ा है वो अस्तर है, हम इस तरीके से पहले किनारे पे सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद जो इसका अस्तर वाला पार्ट है ना उसको इस तरीके से सीधा रख के उस पर हमें जो नेट वाला हमने जहाँ पे चुनटे डाली है ना उसको इस पर रख के सिलाई लगा लेनी एकदम बराबर से। देखिए कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाते टाइम अगर आप चुन्नटें एक ही जगह हो गई तो आप उसको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करते जाइएगा, एक ही जगह चुन्नट नहीं पड़ाना है। देखिए कुछ इस तरीके से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने कुछ इस तरीके से सिलाई लगा ली, अब हमें इसके ऊपर से ये लेस को ऐसे सिल देंगे तो एकदम अंदर कवर हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे ये पूरा बाजू का साइड यहाँ पे मैंने पूरा सिलाई कर लिया, अब हमें इसका जो कर्व साइड है वो बस ब्लाउज में अटैच करना बाकी रह गया है। आपको आज की ब्लाउज की डिजाइन ये कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए मैंने यहाँ पे पहले से ये स्लीवलेस ब्लाउज सिल के रखा हुआ है, बस हमें इसमें बाजू अटैच करनी है, कुछ इस तरीके से इसे अटैच करेंगे। देखिए जो इसका अटैच करने का जो प्रोसेस है ना, हमें जो कंधे वाला साइड होता है ना जो कंधे पे जोड़ आती है ब्लाउज में, हमें वहां से स्टार्ट करना है सिलना इसको। हमने स्टार्टिंग में जो एकदम बीचों बीच यहाँ पे कट का निशान लगाया था ना, हमें वहां से इसको एकदम मेन कंधे वाली सिलाई पे रखनी होगी। इस तरीके से इसको चुन्नट एडजस्ट करते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। देखिए एक साइड का हमने सिलाई लगा लिया, इसी तरीके से हमें दूसरी साइड का भी सिल लेना है।
तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरे स्लीव्स को ब्लाउज में अटैच कर लिया है, बस इसको फिटिंग करना बाकी है। अब क्या मैं यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे तो इसका ओवरऑल लुक जो लुक है वो पूरा इस तरीके से आएगा। अब मैंने यहाँ पे इसको उल्टा कर लिया स्लीव्स को, और अपने जो जितना भी आपका बाजू का माप होगा उस हिसाब से आप इसको यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए यहाँ पे ब्लाउज के स्लीव्स बन के पूरी रेडी हो चुकी है। आपको ये स्लीव्स की डिजाइन कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, अगर आपको पूछना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं मुझसे। देखिए ब्लाउज तो पूरी सिल चुकी है, अब बारी है इसमें लटकन लगाने की। आपका मन है, अगर आप लटकन लगाना चाहें तो लगाइए, नहीं लगाना चाहें तो मत लगाइए। ये जो लटकन की जो वीडियो है मैंने चैनल पे ऑलरेडी डाल रखी है, आपको अगर ये लटकन की डिजाइन पसंद है तो आप जाके देख सकते हैं चैनल पे, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक डाल दूंगी। ये में जो लटकन है उसकी डोरी जो मैं मशीन से अटैच कर रही हूँ, चाहे तो इसे हाथ से भी अटैच कर सकते हैं। देखिए ब्लाउज पूरा बनकर रेडी हो चुका है, लटकन इसकी मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। अगर आपको भी पसंद आए तो इसे बनाना ना भूले, जरूर एक बार तो कम से कम ट्राई करिएगा ही करिएगा। इस लटकन आप चाहे तो लहंगे में भी बना सकते हैं, क्योंकि थोड़ा ये जो लटकन है थोड़ा हैवी है। ये देखिए इसका पूरा ओवरऑल लुक कुछ इस तरीके का है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।